नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले डालिए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा, भगवान राम की प्रतिमा का करेंगे अनावरण, महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में भी होंगे शामिल। यूपी के कई जिलों में आंधी तूफान का कहर, 9 की मौत, दर्जनों घायल। मैनपुरी कासगंज एटा में तूफान से भारी नुकसान, सीएम ने प्रभावित लोगों की तत्काल सहायता के लिए दिए निर्देश। कानपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली, चूड़ी में कल्लू और पिठूर में दीपक मिश्रा को लगी गोली। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकियों को नस्तनाबूद करने का सिलसिला जारी है। जहां देर रात पुलवामा में शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। इन 4 आतंकियों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एसपीओ भी शामिल हैं, जो गुरुवार शाम सर्विस राइफल लेकर फरार हो गए थे। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। इसमें 2 एसपीओ भी शामिल हैं। ये एसपीओ हथियार के साथ फरार हुए थे। करीब 18 घंटे के बाद ये ऑपरेशन खत्म हुआ। हालांकि अभी भी इलाके में इंटरनेट की सुविधा बंद की गई है, साथ ही सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर उन्नाव से। उन्नाव से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग पर लगा बड़े घोटाले का आरोप, बिना ई टेंडर के की गई करोड़ों की खरीदारी। करोड़ों का सामान खरीदने में नियमों की गई अनदेखी। स्वास्थ्य विभाग में 1 करोड़ 10 लाख रुपए के फर्नीचर और उपकरण खरीद में बड़ा खेल। आपको बता दें कि बिना ई टेंडर के खर्च कर दिए गए 1 करोड़ 10 लाख रुपए। जीएम ने बनाई 3 सदस्यीय जांच कमेटी। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ है ये मामला? जी, आपको बताएं कि ये स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से जो गड़बड़ चल रहा था, उसी की एक परिणति है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने ये नियम निकाल दिया था कि बिना ई टेंडर के कोई काम नहीं होगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए के फर्नीचर और उपकरणों की खरीद करते हुए जो सरकार के नियमों को ठेंगा दिखाया है। लेकिन अब पूरा मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में जब आया तो उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में कमेटी भी बना दी है, जो जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी। जी बिल्कुल, जैसे कि 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, इन सदस्यों के बारे में किसी तरह की जानकारी अब तक सामने आई है? किस स्तर पर कार्रवाई होने की उम्मीद लग रही है? जी, आप मुझे पक्का है कि अगर निष्पक्ष रूप से जांच होगी तो सीधे सीधे स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, जो सीएमओ हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं, लेखा अधिकारी हैं, उनकी पोल खुलेगी इस मामले में। अभी फिलहाल देखने का विषय यह है कि जांच की निष्पक्षता क्या होती है, या फिर सेटिंग गेटिंग पर मामला रफा दफा हो जाता है, क्योंकि बहुत ही गोपनीय ढंग से जांच भी जांच अधिकारी बना दिए गए थे। लेकिन चूंकि मीडिया के नॉलेज में भी ये मामला आया है, उसके बाद से ये तूल पकड़ा है। जी बिल्कुल, जैसा कि मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, बड़ा घोटाला है, पीछे बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं, क्या किसी तरह की सफाई, किसी तरह की जवाबदेही अब तक जिन पर आरोप लग रहे हैं उनकी ओर से सामने आए? जी, आपको बता दें कि लगातार जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो सीएमओ है, पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार करते हैं और बहुत ज्यादा ये कहते हैं जो कुछ हुआ है नियम पे हुआ है। फिलहाल अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जांच रिपोर्ट के बाद क्या होता है। जहां तक हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कल जब कमिश्नर आए थे तो
उसके बाद से इस मामले ने और तेजी पकड़ ली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें ये बड़ी खबर उन्नाव से बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बिना ई टेंडर के करोड़ों की खरीदारी की गई है, जहां करोड़ों का सामान खरीदने में नियमों की अनदेखी की गई है। बिना ई टेंडर के 1,10,00,000 रूपये खर्च कर दिए गए हैं, जिस पर डीएम ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। उन्नाव स्वास्थ्य विभाग का ये मामला। बढ़ते अगली खबर की ओर। भीषण गर्मी के चलते अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान ने भारी कहर बरपाया है। अलग अलग जिलों में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा कासगंज और एटा में आंधी का भारी कहर देखने को मिला। इसके साथ ही जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एटा उप जिलाधिकारी नंदलाल ने कहा है कि राज्य सरकार के नियमानुसार मृतकों के परिजनों को 4,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं फरखाबाद में दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। कन्नौज में भी सरकारी विद्यालय का गेट बाइक सवार पर गिरने से एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। देर शाम से ही तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी थी और जिसके बाद आए भारी आंधी और तूफान ने कई जिलों में भारी कहर बरपाया। वहीं सीएम योगी ने आंधी तूफान से प्रभावित जिलों के डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि प्रभावित जिलों का मुआयना कर लोगों को तत्काल सहायता दी जाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहत कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फरखाबाद के लोहिया अस्पताल में सर्जन डॉक्टर गौरव मिश्रा और प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह के बीच हुई मारपीट के मामले ने तीसरे दिन भी तूल पकड़ा हुआ है। लोहिया अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर गौरव मिश्रा के समर्थन में हड़ताल पर है और वहीं दूसरी तरफ प्रधानाचार्य के समर्थन में शिक्षक नेताओं ने सांसद मुकेश राजपूत से मिलकर कार्रवाई की मांग की। यूपी माध्यमिक संघ के बैनर तले शिक्षक भी धरने पर हैं, जिन्होंने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर की मांग है कि प्रधानाचार्य अनिल सिंह की गिरफ्तारी की जाए। आपको बता दें कि फरखाबाद का यह मामला है, जहां प्रधानाचार्य और अस्पताल के स्टाफ के बीच मारपीट हुई थी। आपको बता दें कि डॉक्टर और शिक्षक नेता के बीच हुई मारपीट के मामले ने लगातार तूल पकड़ा हुआ है, जहां तीसरे दिन भी लगातार विरोध किया जा रहा है। अपनी अपनी मांग पर दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए फरखाबाद से हमारे संवाददाता अमित औदिच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट करेंगे इस खबर पर आप हमें? देखिए, बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात जो है, जो फरकार राम मनोहर लोहिया में जो विवाद चल रहा है इधर अध्यापकों को डॉक्टरों का जो है मामला जो जिला प्रशासन को नहीं निपटा पा रहा है। सबसे बड़ी बात जो है, ना ही डॉक्टर पीछे हटने को तैयार है, ना ही माध्यमिक शिक्षा संघ के नेता हटने को तैयार है। सबसे बड़ी बात है, जिला अस्पताल में हड़ताल आज भी जारी रही, आज तीसरा दिन हो चुका है। सबसे बड़ी ओपीडी और जितने चिकित्सक है वहां जो पूरी हड़ताल देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात जरूर रखी होगी। क्या उन दोनों पक्षों की बात है, अपनी अपनी सफाई में दोनों ने क्या कुछ कहा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने शिक्षकों को ये कहना है कि डॉक्टरों ने जो शिक्षक अनिल सिंह को मारपीट जो की थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, इधर जो है जिला प्रशासन दोनों की बात सुन चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी निर्णय नहीं ले पाया है। जी, कार्रवाई अब तक क्या कुछ इस पर सामने आ रही है? नहीं, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे ऊपर जो खाली मुकदमा लिखा गया था, दोनों तरफ से पुलिस ने मुकदमा लिखा था, लेकिन जो है शिक्षक अपने तूल पकड़े हुए, इधर डॉक्टर अपना तूल पकड़े हुए। जी बिल्कुल, और इन सब के बीच में जाहिर तौर पर जो अस्पताल है उसका प्रशासन है, मरीजों को किस तरह किसी तरह की तकलीफ हो रही है, व्यवस्थाओं में किसी तरह की जो सर्विस दी जाती है, सेवाएं प्रदान की जाती है मरीजों को, उसमें किसी तरह की बाधा सामने आई क्या? देखिए, जिला अस्पताल लोहिया में जो दूर दूर से मरीज आने वाले हैं, बेहाल नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है, जिला प्रशासन अभी तक इसका हल नहीं निकाल पाया है। सबसे बड़ी बात जो है, इमरजेंसी सेवाएं बंद हो चुकी है, इधर लोहिया में कोई भी डॉक्टर जो है काले डाल के बैठे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, फरखाबाद में तीसरे दिन भी
डॉक्टर और प्रधानाचार्य जो कि शिक्षक नेता भी हैं उनके बीच हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हड़ताल की वजह से मरीजों को सेवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं और वो भी बेहाल हैं। और इधर भाजपा से दूसरी बार सांसद, आपको बता दें कि भाजपा से दूसरी बार सांसद चुनी गई साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर पहुंची, जहां साध्वी निरंजन ज्योति जीतने के बाद प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। साध्वी निरंजन ज्योति ने सभी कार्यकर्ताओं और सभी वोटर्स को धन्यवाद भी कहा। आपको बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर जिले में नवनिर्मित पोस्टमार्टम हाउस का लोकार्पण करने पहुंची थी। साथ ही साध्वी निरंजन ने कहा कि भाजपा की प्रचंड जीत के आगे गठबंधन में तलाक हो गया है। साथ ही साध्वी ने कहा कि बुंदेलखंड के सभी छोटे बड़े किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे। है और सरकार को धन्यवाद देने का और जनता का धन्यवाद देने का समय है, क्योंकि जिस तरह से जनता ने बूथों में खड़े होकर के स्वयं चुनाव लड़ा है और वो चुनाव जनता ने इसीलिए लड़ा क्योंकि 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी पूरी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया, जिनकी लोगों को आवश्यकता थी, शौचालय है, आवास है, गैस सिलेंडर है, हर गाँव में लाइट पहुँचाना, इसके आधार पर जनता ने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया कि पूरे विपक्षी जो एक बहुत बड़ा गठबंधन बना करके एक ही नारा था मोदी हटाओ मोदी हटाओ, और जनता का नारा था मोदी लाओ, और वो करके दिखा दिया और गठबंधन तलाक की नौमत पर आ गया। शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए आपको बता दें कि कल्याणपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 10 चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। पूछताछ में कि ये चोर चोरी को महज शौक के लिए अंजाम देते थे और गैर जनपदों में इनकी बिक्री की जाती थी। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप।
मेहमान नवाजी का शाही अंदाज। खिदमत रेस्टोरेंट कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट ग्रैंड गीत होटल द मॉल कानपुर। Hansraj Modern School makes learning joyful and fun-filled through activities like Science Park, Learn by Live Concepts, Chess Club, Learn Tactics and Strategy, Astronomy Club, Journey Beyond Stars. At Hansraj, education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers. Hansraj Modern School, Shivpuri Road, Jhansi. वो कुछ भी करें आपकी परेशानी का होगा हल, बड़ा से बड़ा अपराध करें हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। मनोरंजन ही मनोरंजन मात्र 176 रुपए में। जी हाँ, टेन नेटवर्क्स लाया है अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्लान जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल, वो भी मात्र 176 रुपए प्रति माह में। उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एयर चैनल्स और 36 पे चैनल्स जैसे आज तक, जूम, CNBC आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स। देर किस बात की, आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज जिले के जसोदा रेलवे स्टेशन के पास क्रॉसिंग नंबर 103 नंबर पर कन्नौज फरखाबाद मार्ग रेलवे ट्रैक की पटरी टूट गई। गैंगमैन ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। मशीन नहीं होने की वजह से मरम्मत का काम नहीं हो सका। इसके बावजूद पटरी टूटी होने पर भी धीमी गति से ट्रेनों को पास कराया गया। रेलवे के अधिकारियों को मामले से अवगत कराने के बावजूद पटरी को सही नहीं कराया गया है। कानपुर के गंगा बैराज में नगर निगम जल्द ही खूबसूरत आइलैंड बनाएगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार ने बताया कि बैराज कानपुर का प्रवेश द्वार है और नगर निगम की प्राथमिकता में ये इलाका है। इसकी शोभा बढ़ाने के लिए जल्द ही यहां कई निर्माण शुरू करवाए जाएंगे। नगर निगम ने ये कार्य जन सहयोग और स्वयं सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर कर रहा है। बैराज एक शहर का प्रवेश द्वार है और जो जितने भी लोग आते हैं, आप देखें गंगा बैराज के थ्रू आते हैं और वहाँ बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था और स्थिति अच्छी नहीं थी, तो हमने एक स्वयंसेवी संगठन परिवर्तन के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का कार्य शुरू कराया। तो अब गंगा बैराज के एक साइड में ब्यूटिफिकेशन का कार्य कम्प्लीट हो गया है और इसके बाद इस ब्यूटिफिकेशन को हमें और आगे बढ़ाना है। हम लोगों का प्रयास ये है कि कोई भी कानपुर में लोग प्रवेश करें तो कानपुर की झलकियाँ दिखाई दें, लोग कानपुर को जानें। तो इस तरह के हो सकता है कि हम उसमें 3D पेंटिंग से या 3D म्यूरल्स या 3D मॉडल्स हम शहर के जो प्रमुख जो स्थान हैं उन जगहों के हम लोग लगाएं और उसको वेल लिट करें, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था करें। एक जो घंटा करके आइलैंड की बात, वहाँ पे जो गंगा बैराज पर आइलैंड की बात करें, आइलैंड के लिए भी हम लोगों ने एक डिज़ाइन तैयार करवाया हुआ है
और उसके आधार पे हम आईलैंड को भी सही बना। फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के अंतर्गत जाफराबाद गांव के अधिवक्ता का बेटा घर पर पंखे का तार लगा रहा था कि घर करंट की चपेट में आ गया। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बांदा में अतर्रा पुलिस ने अधेड़ की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। क्षेत्राधिकारी आलोक मिश्रा ने बताया कि मृतक की हत्या उसके सगे छोटे भाई ने हथौड़े से सिर पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस को पता चला कि मृतक अपने बड़े भाई नत्थू के लड़कों के साथ 6 बीघा जमीन करना चाहता था, लेकिन अभियुक्त भी उस जमीन में हिस्सा चाहता था, जिस कारण उसने मृतक की हत्या कर दी। बड़ा माफी गांव में एक व्यक्ति जो घर के बाहर सो रहा था, उसकी रात में देर रात किसी ने सर पर प्रहार करके हत्या कर दी थी। सूचना मिलने पर मौके पर हम लोग वहां पहुंचे और घर वालों की तरफ से अज्ञात में तहरीर दी गई थी। जब घटनास्थल का निरीक्षण और लोगों से पूछताछ की गई तो घटना का अनावरण हुआ। मृतक व्यक्ति के सगे छोटे भाई ने ही संपत्ति के विवाद। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से। शिवराजपुर के फार्मापुर गांव के पास रोडवेज बस में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग। धुली चली रोडवेज बस, 2 दिन पहले रोडवेज बस ने पिकअप में मारी थी टक्कर। सिटी रोड पर मची अफरातफरी। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां शिवराजपुर के बारमापुर गांव के पास रोडवेज बस में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। धुधकर चल गई रोडवेज बस, 2 दिन पहले इसी रोडवेज बस ने पिकअप में मारी थी टक्कर। जीटी रोड के किनारे खड़ी थी रोडवेज बस, जीटी रोड पर अफरातफरी का माहौल। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां शिवराजपुर के बारमापुर गांव के पास रोडवेज बस में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, घटना शिवराजपुर थाना क्षेत्र के गांव के पास की है। यहां 2 दिन पूर्व रोडवेज बस का एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के दौरान ये बस वहीं पर खड़ी कर दी गई थी। यहां पर पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिली है, जिस कारण ये आज बस में आग लगी। घटना के बाद से पुलिस ने जीप को वहां पे अपने थाने नहीं लाई और वहीं पे खड़ी कर दिया। आज संदिग्ध परिस्थितियों में जो है बस में आग लग गई, जो धोकर पूरी बस जलकर राख हो गई। अब आग कैसे लगी, पुलिस इसका आग का कारण पता करने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले शायद इसी पिकअप ने टक्कर मारी थी, तो क्या कुछ वजह रही जो 2 दिन से अभी तक बस वहां पर खड़ी थी, पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, इस मामले में जब क्षेत्राधिकारी बिल्लौर से बात की गई तो उन्होंने अपना पल्ला साफ जान लिया। उनका कहना था कि तो उनको घटना की जानकारी नहीं थी, वो बस को वहां से हटाया जाना था आज, लेकिन आज इसमें आग लगी जिस कारण हटाया नहीं जाना था। 2 दिन पूर्व पिकअप की और बस की टक्कर के कारण वहां पे बस खड़ी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक नई बस को हटाया गया था, जिस कारण आज इसमें आग लग गई। एक बड़ी घटना भी हो सकती थी, जो कि बस जो है रोड किनारे बिल्कुल लगी हुई थी, लेकिन राहगीरों ने और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और बस जो है पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इस खबर पर हमें। ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां शिवराजपुर के बारमापुर गांव के पास रोडवेज बस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आपको बता दें, धू-धू कर पूरी रोडवेज बस चल गई। बता दें कि 2 दिन पहले रोडवेज बस ने पिकअप में टक्कर मारी थी, जिसके चलते वो वहां पर 2 दिन से खड़ी थी। जीटी रोड किनारे ये रोडवेज बस खड़ी थी, जिसके बाद आग लगने के चलते वहां पर अफरातफरी का माहौल हो गया। शिवराजपुर के बारमापुर गांव के पास का यह मामला है, जहां रोडवेज बस में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई।
दो दिन पहले रोडवेज बस ने पिकअप में टक्कर मारी थी, जिसके बाद से ही दो दिन से लगातार ये बस रोडवेज जीटी रोड के किनारे ही खड़ी थी, जिसके बाद आज अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने के चलते जीटी रोड पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज आमजन की आवाज। नमस्कार। We'll be right back.